दोस्तों आप में और मुझ में फर्क क्या है पता है? आप लोग जो काम को YouTube एप्लीकेशन में जाके करते हो ना, वो सेम काम को मैं TubeBuddy एप्लीकेशन में आके करता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो काफी तेजी से रैंक करता है। आपको प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ भी देख लो। यहाँ पे देखो, अगर मैं YouTube पे जाके सर्च करूंगा कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी वीडियो रैंक करता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैं YouTube पे जाकर सर्च करूं कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, फिर भी कहीं ना कहीं मेरा वीडियो नजर आ जाएगा। अगर मैं सर्च करूं कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, फिर भी कहीं ना कहीं मेरा वीडियो रैंक करता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मैं सर्च करूं कि शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करें, फिर भी मेरा वीडियो वहां पे शो हो जाएगा। अगर मैं सर्च करूं कि YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका, फिर भी वहां पे मेरा वीडियो कहीं ना कहीं रैंक करता हुआ नजर आ जाएगा। मतलब मैं जितने भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूं ना, उनमें से कोई भी टॉपिक को अगर आप YouTube पर सर्च करोगे ना, तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो वहां पे शो हो जाएगा। चाहे एक नंबर पर रैंक करे, दो नंबर पर रैंक करे, पांच नंबर पर करे, या कितना भी नंबर पर रैंक करे, बट कहीं ना कहीं आपको वहां पे रैंक करता हुआ मेरा वीडियो आ ही जाएगा, क्योंकि मैं सही तरीके से TubeBuddy का इस्तेमाल करता हूं। देखो, आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग TubeBuddy का इस्तेमाल नहीं करते हो। देखो, आप लोग गलती क्या करते हैं पता है? आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आने का मेन कारण क्या है पता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आप लोग करते क्या हो, आप लोग जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो ना, आप लोग सिंपली यूट्यूब पर जाते हो। यूट्यूब पर जाने के बाद आपका जो टॉपिक होता है, जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हो, उस टॉपिक को आप वहाँ पे सर्च कर देते हो। सर्च करने के बाद आप लोग देखते हो कि कौन से वीडियो पर ज्यादा व्यूज है, कौन से वीडियो पर ज्यादा व्यूज है, अच्छा खासा व्यूज आया है। आप लोग सिंपली उस वीडियो के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ कॉपी करके अपने वीडियो में लगा के अपने वीडियो को अपलोड कर देते हो। आप में से 99% लोग यही काम करते होंगे, किसी और के डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग को कॉपी करके अपने वीडियो में लगा देते हो और वीडियो को अपलोड कर देते हो। आप लोग क्या सोचते हो कि उसका वीडियो वायरल हो गया है, तो उसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को हम यूज करेंगे तो हमारा भी वीडियो वायरल हो जाएगा। आप लोग यही सोचते हो ना, बट ऐसा नहीं होता है यार। आप सोच के देखो, अगर किसी और के टाइटल, किसी और के डिस्क्रिप्शन, किसी और के टैग से अगर वीडियो वायरल हो जाता, तो अभी के टाइम पे पूरा इंडिया में सब कोई यूट्यूबर बन जाता, क्योंकि वीडियो तो कोई भी बना लेता। किसी और का टाइटल कॉपी करना भी सबको आता होगा, किसी और के डिस्क्रिप्शन कॉपी करना भी आता होगा। तो अगर किसी और के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन से अगर अपना वीडियो वायरल होता है, तो इसमें तो सबको यूट्यूबर बन जाता, क्योंकि टाइटल, टैग वगैरह कॉपी करना तो सबको आता है। बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग के माइंड में बस एक ही चीज़ बैठा है कि उसके वीडियो वायरल हुआ है, तो उसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे, अपने वीडियो में लगाएंगे सेम चीज़ को, तो हमारा भी वायरल हो जाएगा। ये वहम को आप छोड़ दोगे ना, तो आपका वीडियो पक्का वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, मेरी वीडियो रैंक करने का सबसे मेन पर्पस क्या है पता है? आप लोग जो काम को YouTube एप्लीकेशन में जाके करते हो, वो सेम काम को मैं TubeBuddy एप्लीकेशन में आके करता हूँ। आप लोग अपने वीडियो के लिए, आप कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो, तो आप अपने वीडियो के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन के लिए सब, जाहिर सी बात है, वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कोई लगाते हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, YouTube एप्लीकेशन में जाते हो। वहाँ पे जाने के बाद टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह फाइंड करते हो, जैसे भी फाइंड करते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं अपने वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं अपने वीडियो के टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को फाइंड करने के लिए सीधे TubeBuddy एप्लीकेशन में आता हूँ, और TubeBuddy से मैं अपने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को फाइंड करके अपने वीडियो में लगा के वीडियो को अपलोड करता हूँ, जिससे मेरा वीडियो रैंक करता है। प्रूफ भी आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको TubeBuddy का पूरा ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से मैं TubeBuddy का इस्तेमाल करता हूँ, उससे कौन कौन सा फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन सा फीचर्स का यूज़ करके आप अपने वीडियो को काफ़ी तेज़ी से रैंक करा सकते हो, अपने वीडियो को वायरल करा सकते हो मेरे जैसा, ठीक है। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एक भी सेकंड का आप स्किप मत करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं डेली एक चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में करता हूं, जिसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके वीडियो में कोई भी कमेंट कर देना है, क्योंकि हम कमेंट फिगर से विनर निकालते हैं, जिसका भी कमेंट शो हो जाएगा उसके चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में कर देंगे। और दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो के विनर ये भाई हुए हैं, तो इसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया हूं, तो सिंपली जाके आप लोग इस भाई को सपोर्ट कर देना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नेक्स्ट टाइम आप विनर आओगे तो आपके भी चैनल का प्रमोशन बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यार, यहाँ पे साइड पे अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, हर एक स्टेप को समझना कि कैसे करके आपको TubeBuddy का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर देना है TubeBuddy, ठीक है, यहाँ पे लिख के कर देना है सर्च। अब देखो यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको कर लेना है इंस्टॉल। ये जो एप्लीकेशन है, ये यूट्यूब से सर्टिफाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मेन चैनल को लॉगिन करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है यूट्यूब से सर्टिफाइड है, यूट्यूब से वेरीफाइड है, मतलब एक तरीके से मान सकते हो कि यूट्यूब का आसपास का एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। जैसे YT स्टूडियो है ना, उसी प्रकार से ये भी ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको अपने चैनल की जो आईडी होती है, उस ईमेल आईडी से लॉगिन करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, वो कर लोगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा हूँ। करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जब आप सही तरीके से इस पे लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करना आसान है, आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखो बिल्कुल ध्यान से कि कैसे करके आपको यहाँ पे काम करना है, कैसे करके आपका मतलब यहाँ पे किस तरीके से अपने वीडियो को रैंक कराना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ आपको नॉर्मल चीज़ें बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको एडवांस चीज़ बताऊंगा, जिसको पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और अपने वीडियो को रैंक करवाता हूँ। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे आपके सारे वीडियो शो हो जाएंगे, ठीक है, जो वीडियो को आपने अपलोड किया है।
जैसे कि देखो ये वीडियो जो मैंने अभी से कुछ देर पहले अपलोड किया हूँ 5 घंटे पहले यहाँ पे शो हो रहा है, तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करके इसका परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि मेरे वीडियो का परफॉर्मेंस क्या है। जैसे कि देखो थंबनेल सही है मेरा, हाई रिस थंबनेल डाला हूँ, एड टैग ऑन योर टाइटल ये भी सही है मेरा, एड टैग ऑन योर डिस्क्रिप्शन ये भी सही है, टाइटल लेजेंड लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो टाइटल मैं सही तरीके से नहीं लिखा हूँ, उटपटांग सा बहुत ज़्यादा भर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब कुछ चीज़ चेक कर सकते हो कि आपका टाइटल सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, टैग सही है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है टैग्स का, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टैग कौन सी टैग कितने नंबर पर रैंक कर रही है सारा का सारा शो हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर मान के चलो 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, अगर मान के चलो ये वाला टैग, ये वाला जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को कोई यूट्यूब पर सर्च करता है और हमारी वीडियो वहाँ पे शो होगी ना, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपकी कौन सी वीडियो कितने नंबर पर रैंक कर रही है। जैसे कि ये कीवर्ड जो है मेरा, ये यूट्यूब पर कितने नंबर पर रैंक कर रही है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, बट मेरा अभी शो नहीं हो रहा है, बट आपका आ जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो अगर आपका कोई वीडियो रैंक कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि आपके कौन से कीवर्ड से आपकी वीडियो रैंक कर रही है, और रैंक कर रही है तो कितने नंबर पे रैंक कर रही है। कोई सर्च कर रहा है कीवर्ड को तो कितने नंबर पे आपकी वीडियो आ रही है, क्या 1 नंबर पे आ रही है, 2 नंबर पे आ रही है, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना आपको, सिंपली यहाँ पे देखो ये सब बात तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये सब पे हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। अब देखो मेन मुद्दे की बात करते हैं जो कि पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, यही चीज़ आपको भी यूज़ करना है ताकि आपका वीडियो रैंक करे, आपका वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिले। आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेन्यू का, ठीक है, मेन्यू का, यहाँ से आप सब्सक्राइबर्स वगैरह देख सकते हो, ये तो आम बात है। नीचे मिलेगा ऑप्शन मेन्यू का, तो आपको सिंपली मेन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो टैग एक्सप्लोरर्स का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप नए हो तो। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा टैग का, ठीक है, तो टैग वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो, आपका जो भी टॉपिक है, सिंपली आपको यहाँ पे वो सर्च कर देना है। जैसे कि मान कर चलो आप वीडियो बना रहे हो कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, सबसे पहले यहाँ से मैं इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ठीक है, इस प्रकार से लिख के मैं कर देता हूँ यहाँ से सर्च। आपको कीवर्ड को सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों देखो अब यहाँ पे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये जो टॉपिक है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड बहुत तेज़ी से रैंक कर रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट कीवर्ड है, यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ सर्च वॉल्यूम कितना दिखा रहा है 100%, मतलब ये कीवर्ड एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपटीशन कितना है, 60% कंपटीशन है, ओवरऑल स्कोर गुड है, मतलब एक तरीके से ये कीवर्ड हमारा बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से यहाँ पूरा कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको चले जाना अपने नोट्स में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नोट्स में आता हूँ, आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इस प्रकार से देना है। देने के बाद दोस्तों अब देखो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड को ले लिया हूँ, अब क्या करना है, नीचे यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड रिकमेंड की जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी कीवर्ड को ले लेना है। जैसे कि यहाँ पे करता हूँ यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, इस वाले कीवर्ड को यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, अब मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, इसको मार देता हूँ सर्च, ठीक है। अब दोस्तों देखो यूट्यूब पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को अगर मैं अपना टाइटल बनाऊंगा तो इससे मेरा अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, सिर्फ 27% है। तो क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं और भी बहुत सारे कीवर्ड रिकमेंड की जा रही है, तो अब क्या करेंगे, हम ये वाले कीवर्ड को लेके देखते हैं। पहले हम वहाँ पे सर्च किए थे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, लास्ट में YEN दिए थे, इस पर YE है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से करते हैं कॉपी और देखते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं पेस्ट और यहाँ से कर देते हैं सर्च, ठीक है। अब देखो इसका भी यहाँ पे सर्च वॉल्यूम 100% है, ठीक है, 100% है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन क्या है, वेरी हाई। देखो अगर आप एक नए क्रिएटर हो ना, तो वेरी हाई कॉम्पिटिशन वाले पर वीडियो मत बनाना, यहाँ पे आप टक्कर नहीं ले पाओगे। अगर आपका वीडियो बहुत हाई लेवल का होगा ना, तो ही टक्कर ले पाओगे, नहीं तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो कोशिश करना कि कॉम्पिटिशन थोड़ा लो हो या मीडियम हो, उसी में आपको यहाँ पे करना, ठीक है। जैसे कि देखो इस पर वेरी हाई बता रहा है ना, तो आपको क्या करना है, इस कीवर्ड को अपना टाइटल नहीं बनाना है, इस कीवर्ड पर आपको काम नहीं करना है, क्योंकि इस पर आप अपने वीडियो को सर्च में नहीं लेके जा सकते हो, ये छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे और भी हमें बहुत सारा कीवर्ड दिख रहा है, हम करते हैं हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब, ठीक है, इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करते हैं सर्च। अब देखो यहाँ पे देखो सर्च वॉल्यूम इसका कितना है, वेरी हाई है, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन ये हाई है, ठीक है, कॉम्पिटिशन वेरी हाई नहीं है, सिर्फ हाई है, 71% कॉम्पिटिशन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपना टाइटल को बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टाइटल को बनाया हूँ, ये वाला व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, लास्ट में EN है, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे बढ़ाएं, एंड इसके बाद हाउ टू इंक्रीज व्यूज़ ऑन यूट्यूब, मतलब यहाँ पे हमने अपने टाइटल को रेडी कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास जगह बचे, यहाँ पे जगह है, तो आप और भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ कीवर्ड को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च कर देता हूँ व्यूज़ नहीं आ रहा है तो क्या करें, ठीक है, ये भी यूट्यूब पर सर्च कर सकता है।
तो अब देखो ई वाले कीवर्ड को मैं सर्च किया हूं, तो इसका सर्च वॉल्यूम लो है, बहुत कम है, इसको लोग ज्यादा सर्च नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा इसको यहां से नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे टाइटल को सबसे पहले फाइंड करना है। आपको देखना है कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा रहेगा आपको उसी को अपना टाइटल बनाना है। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि यहाँ पे जो दिख रहा है कॉम्पिटिशन ना, ये एवरेज होना चाहिए या हाई होना चाहिए, वेरी हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवरेज रहेगा, हाई रहेगा, लो रहेगा तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें टक्कर ले लोगे, लेकिन वेरी हाई रहेगा तो उसमें आपका टक्कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये जरूर से ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको जो कीवर्ड्स होगा ना, सिंपली आपको तीनों कीवर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ से कर लेना कॉपी क्लिकबोर्ड। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर लेना है कॉपी। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, जो आपने कीवर्ड को कॉपी किया है, जो कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है ना, जैसे कि देखो ये कीवर्ड को मुझे रिकमेंड किया था, ठीक है, ये कीवर्ड को मुझे रिकमेंड किया था, तो क्या करना है, सबसे पहले देखो इस कीवर्ड को आपको टैग बनाना है और डिस्क्रिप्शन में भी यूज करना है। किस प्रकार से, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस प्रकार से यहाँ पे एक मिनट, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियली नंबर में। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा तीन चीज़ मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे तीन कीवर्ड हमें मिल चुका है। एंड दोस्तों इतना में आपका काम खत्म नहीं होगा, यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, आपको कहीं और से ये वाला चीज़ को रख लेना है। ठीक है, ये जो कीवर्ड है ये कहीं और पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं टैग बना रहा हूँ। ठीक है, टैग्स बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसको टैग भी बनाना है। टैग बनाने के लिए यहाँ पे कोमा कोमा रहना जरूरी है, इसमें कोमा कोमा है। ठीक है, बट इसको मैं डिस्क्रिप्शन में यूज़ करूँगा, इसलिए इसमें कोमा हटा दिया हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कीवर्ड को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, देखो यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ सिंपली हाउ टू गेट, ठीक है, गेट मोर व्यूज़। ठीक है, इस प्रकार से लिख के कर देता हूँ सर्च। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो मैं गलत सर्च किया हूँ, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ गलत सर्च किया हूँ, बट यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारा सही चीज़ रिकमेंड कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लो, बहुत सारा सही कीवर्ड रिकमेंड कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों सिंपली आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले टैग में यहाँ पे एक कोमा देंगे, और यहाँ पे सबसे पहले इसको पेस्ट करेंगे। टैग में हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एंड गाइस अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो बनाएंगे इसमें भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन से कोमा हटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से कोमा हटा दिए। देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ हो रहा होगा, ये जो बना रहे हैं हम अपना टैग बना रहे हैं, जो वीडियो में टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसको हम डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोमा कोमा हटा रहे हैं और नीचे वाला में कोमा रहने दे रहे हैं, क्योंकि टैग में कोमा रहना चाहिए, तब जाके आपका टैग लगेगा, बट डिस्क्रिप्शन में कोमा नहीं रखो। ठीक है, तो ये करने के बाद अब फिर से आ चुके हैं ट्यूब बडी में। अब क्या करते हैं, इंग्लिश कीवर्ड को एक निकालते हैं टाइटल बनाने के लिए। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, ये जो दिख रहा है ना, सिंपली इस कीवर्ड को यहाँ से करते हैं कॉपी, और देखते हैं इसका स्कोर क्या है। ठीक है, कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से सिंपली करते हैं पेस्ट। एंड गाइस यहाँ से मैं चेक करता हूँ इसका स्कोर क्या है। अब देखो इसका स्कोर कितना है, 67%, मतलब एवरेज में है, ठीक ठाक है, एवरेज है, कॉम्पिटिशन भी एवरेज है। तो आप चाहो तो इसको अपना टाइटल बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको टाइटल बना सकते हो, एवरेज है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे आपको देखना है कि सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक होना चाहिए और कॉम्पिटिशन थोड़ा कम ही होना चाहिए। एवरेज रहेगा, हाई थोड़ा बहुत रहेगा, या तो लो रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो है कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका स्कोर कम होना चाहिए, और इसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको टाइटल फाइंड करना है, दो या तीन टाइटल को ले लेना, जिस प्रकार से आपका टाइटल रहेगा। लेने के बाद यहाँ पे जितने भी चीज़ रिकमेंड की जाएगी ना, सारा का सारा चीज़ को आपको कॉपी करते जाना है, जैसे कि जितना बार रिकमेंड करेगा कॉपी करते जाना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको वही चीज़ को अपने डिस्क्रिप्शन के लिए रेडी करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन के लिए रेडी कर चुका हूँ। एंड गाइस हम क्या करना है, वही चीज़ को आपको अपने टैग के लिए भी रेडी करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं टैग के लिए कोमा कोमा रहने देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रेडी करना है। सबसे पहले आपको टाइटल ले लेना है, हाई रैंकिंग वाला, जिसका स्कोर अच्छा हो, SEO स्कोर अच्छा हो, वो ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आपको जो जो कीवर्ड रिकमेंड की जाएगी ना, ट्यूबडी जो जो कीवर्ड आपको देगी, रिकमेंड करेगी, वो सब कीवर्ड को आपको कुछ इस प्रकार से योर क्यूरीज करके लिखना है। जैसे कि देखो जब आप डिस्क्रिप्शन बनाओगे तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या लिखना है, योर, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ योर क्यूरीज, ठीक है, इस प्रकार से दे देता हूँ। ठीक है, एंड गाइस उसके बाद क्या कर सकते हो, यहाँ पे जब आप टाइटल लिखोगे, टाइटल के नीचे यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हो, सोशल मीडिया। उसके बाद जैसे कि मान के चलो यहाँ पे, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ सोशल मीडिया का, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का लिंक देना चाहता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम का दे दूंगा यहाँ पे। अगर मैं मान के चलो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ टेलीग्राम का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम का दे दूंगा। अगर आप मान के चलो यहाँ पे ईमेल देना चाहते हो तो ईमेल दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो इस प्रकार से रेडी करना है। सबसे पहले टाइटल हो जाएगा, उसके बाद आपको सोशल मीडिया का लिंक जो देना चाहते हो तो दे देना है। देने के बाद आपको योर क्यूरीज कर लेना है, और यहाँ पे वही सब कीवर्ड को ऐड करना है जो जो कीवर्ड आपको रिकमेंड किया था। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिए हैं।
ऐड करने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे मैं टैग लिखा हूँ, क्योंकि मैं टैग को अपने वीडियो पर टैग में यूज़ करूँगा जब वीडियो अपलोड करूँगा उस टाइम, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, बाकी हैशटैग वगैरह आप खुद से लगा लेना। तो बस गाइस आपको यही करना है, आप लोग ये करते क्या हो, आप लोग सिंपली यूट्यूब में जाते हो और किसी और का टाइटल टैग वगैरह कॉपी करके अपने वीडियो में लगाते हो। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, आपको ट्यूब बड्डे में जाना है, वहाँ पर जाने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, किसका SEO स्कोर अच्छा है, किसमें कॉम्पिटिशन कम है, ये सब चीज़ चेक कर लेना है एंड उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना है, वही मतलब कीवर्ड डाल के वीडियो बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं ट्यूब बड्डी में आके ये सब कीवर्ड को सर्च कर लिया हूँ कि ये सब का SEO स्कोर एकदम मस्त है, इस पर एवरेज जो कॉम्पिटिशन है वो भी थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये सब मैं चेक करने के बाद इसको टाइटल बना लिया हूँ, टाइटल बनाने के बाद यहाँ पे जो कीवर्ड मैं रिकमेंड किया था वो सबको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे टैग के लिए भी मैंने बहुत सारा कीवर्ड वहाँ से कलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है, टैग के लिए कीवर्ड कलेक्ट कर लिया हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप वहाँ पे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ट्यूब बड्डी से जाके कलेक्ट करो और वहाँ से आपको जो जो चीज़ मिलेगा उसको अपने वीडियो पे यूज़ करो और अपने वीडियो को अपलोड करो, आपकी वीडियो रैंक करेगी ही करेगी, आज नहीं करेगी तो कल करेगी, कल नहीं तो 10 दिन बाद, बट कभी ना कभी आपका वीडियो सर्च में आने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा रैंकिंग कीवर्ड आपको मिलेगा, कोई भी बेकार का आलतू फालतू कीवर्ड आपको रिकमेंड नहीं की जाएगी। पर्सनली मैं यही स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ और अपने वीडियो को नंबर 1 पे, नंबर 2 पे या तो नंबर 5 पे कहीं ना कहीं रैंक करा लेता हूँ। आप भी तरीका लगाना, आपका वीडियो अगर ठीक ठाक रहा तो रैंक कर ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ट्राई करना, रिस्पॉन्स जरूर से मिल जाएगा। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।